ये द्रावशाला के विजुअल्स आपके स्क्रीन पर जो राटले पावर प्रोजेक्ट है, और आप देख रहे हैं ये डाइवर्शन टनल से पानी निकल रहा है यहाँ से। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इस पावर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन साथ में जो हमारा एनवायरनमेंट डिज़ास्टर हो रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की डायरेक्शंस हैं, वो जो है वो कहीं फॉलो नहीं की जा रही। आप देख सकते हो कि ये पूरा जो मलबा है वो नीचे डाला हुआ है। हालांकि कुछ जगह जो है वो शॉर्ट करंट क्रिटिंग भी की है, ब्लास्टिंग हो रही है शायद, क्योंकि सिग्नल जो है वो आ रहा है। तो ये कहाँ पर हो रही है वो अभी हमें पता चलेगा। अब देखिए, ये सारा जो मटेरियल है वो सारा ही जो है वो नीचे दरिया में डाला जा रहा है, और हमारा एनवायरनमेंट की जो है वो धज्जियाँ उड़ रही हैं। जो डंपिंग यार्ड्स के नाम पर जो करोड़ों रुपया जो है वो रखा गया है, वो जो है उसका कहीं भी जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो लोगों के जेबों में जा रहा है। और हमारे चंद मफाद परस्त लोग जो है वो इसमें शामिल है, जो चंद ठेकों की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो इन लोगों का साथ दे रहे हैं, और इस चीज़ के लिए जो है वो अंधे बन बैठे हैं। कहीं सिग्नल आ रहा है शायद, हमें बताया जा रहा है कि शायद ब्लास्ट होगा यहाँ पर। अब देखिए, ये हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो सारा मलबा जो है वो चिनाब में जो है वो फेंका गया है। यहाँ देखिए, जिस तरह से एक वाटर पाइपलाइन की तरह जो है वो पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर सारा दरिया जो है वो ब्लॉक हो रहा है। ये देख लीजिए, ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल कंसर्न है इनको एड्रेस किया जाए, और जो मुफाद परस लोग हैं, जिनके ठेके हैं, जिनके इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनके लिए भी जो है वो ये एक वीडियो जो है वो आँख खोलने वाला है। मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, सोशल एक्टिविस्ट से, एनजीओ से रिक्वेस्ट है कि वो एक हो जाएं, और क्योंकि ये डिज़ास्टर जो है वो बाद में हमें लेके डूबेगा। ये नहीं है इसके लॉन्ग इम्पैक्ट निकलेंगे, 5 साल 10 साल के बाद इसके इम्पैक्ट निकलेंगे, फिर जोशी जैसी हालात होगी, फिर उत्तराखंड जैसे हालात होंगे, फिर उस वक्त पछताएंगे हम लोग। लेकिन अफसोस की बात है कि फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला भी जो है वो फिर जब आप उसकी कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो तबाही आती है। और आज देखिए, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने जनवरी का महीना जो है वो बगैर बर्फबारी के जो है वो देखा। आज 31 जनवरी है। आप देखिए, इधर से भी जो है वो कटाई हो रही है प्रोजेक्ट की तरफ से। टोटल कयास है यहाँ पर, और एनवायरनमेंट की ओपन धज्जियाँ जो है वो उड़ रही हैं यहाँ पर। कोई पूछ नहीं रहा है अब कितनी आवाज़ें हम उठाएं। हम चाहते हैं कि लोग भी जो है वो कुछ बोले। ये पीछे वाला नज़ारा है, फिर से सायरन आ गया। अब ये लास्ट सायरन है ब्लास्ट होने का। हम आपको ये विजुअल्स जो है वो लगातार दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ पर। आप देखिए, ये विजुअल्स इस वक्त सारा मटेरियल जो है वो दरिया में जो है वो डाला गया। ये लीजिए, हो गया जी ब्लास्ट। और इससे किस तरह से घर हिल रहे हैं आप देखिए, ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो है वो आ रही है, सारा गर्दा जो है वो आ रहा है। अफसोस की बात है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो कोई नहीं ले रहा है। हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं राटले पावर प्रोजेक्ट्स के। हम उम्मीद करेंगे कि इन विजुअल्स को देखने के बाद जो इस कंसर्न काम से जो जुड़े हैं, एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, वो इसकी सुध लेंगे और एक एक्शन प्लान जो है वो बनाएंगे, ताकि एनवायरनमेंट्स की वायलेशन जो है वो ना हो सके।